फाइनली गाइस वीवो ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वीवो U10। गाइस ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है उसका प्राइस कजब से, लेकिन गाइस स्मार्टफोन का जो प्राइस है सेम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी की तरफ से रियलमी 5 के अंदर। तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों कॉन्फ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए, क्या आप भी मेरी तरह कॉन्फ्यूज हो, मेरी तरह जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा जाए दोस्तों आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस के हिसाब से अलग से स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस के हिसाब से वो दोस्तों देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर वीवो U10 के बारे में बात किया तो इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी को डिजाइन देखने को मिलेगा, बैक साइड की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ साथ LED फ्लैक्स, फ्रंट साइड की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच। कहने की बात है वीवो U10 उसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है। और वहाँ पर रियलमी 5 के बारे में बात किया तो बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप, उसी के साथ साथ LED फ्लैक्स, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और बैक साइड की तरफ आपको डायमंड कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच भी है। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेटर देखने को मिलेगा रियलमी 5 की तरफ, तो इसलिए बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में इस दोनों स्मार्टफोन से बाजी मारता है रियलमी 5। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 इंची HD प्लस डिस्प्ले, उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच, और इसका जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर रियलमी 5 के अंदर जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पर वीवो U10 के बारे में बात किया है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.35 इंची HD प्लस डिस्प्ले, उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है, और इसका जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर भी आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेटर देखने को मिलेगा रियलमी 5 की तरफ, तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। गाइस यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होने वाला है सेम होने वाला है, जो होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में, उसी के साथ साथ एक प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। कहने की बात दोस्तों इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ पबजी जैसा गेम इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। मैंने खुद रियलमी 5 का पबजी रिव्यू करा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कार्ड में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। गाइस यहां पर रियर कैमरे के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेटर फीचर्स और दोस्तों यहां पर बेटर क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा रियलमी 5 की तरफ, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 12 MP, उसी के साथ साथ 8 MP वाइड एंगल के लिए, 2 MP माइक्रो लेंस के लिए, और 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। कहने की बात दोस्तों यहां पर जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया। और वहां पर वीवो U10 के बारे में बात किया है तो बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 MP, उसी के साथ साथ 8 MP वाइड एंगल के लिए, और 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेम क्वालिटी देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात किया है दोस्तों थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा रियलमी 5 की तरफ। गाइस इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में। गाइस यहाँ पर फिर से सेल्फी कैमरे के बारे में बाजी मारता है रियलमी 5, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 13 MP। इसका जो एपरेचर होने वाला है 2.0 एपरेचर, जो लो लाइट में बहुत ही बढ़िया पिक्चर खींचेगा। और वहाँ पर वीवो U10 के बारे में बात किया है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 8 MP। इसका जो एपरेचर होने वाला 2.0 एपरेचर, जो लो लाइट में बहुत ही बढ़िया पिक्चर खींचेगा। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर सेल्फी कैमरे के बारे में और बैक कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। गाइस यहाँ पर बैटरी दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम ही देखने को मिलेगा, जो होने वाला है 5000 mAh की बैटरी। उसी के साथ साथ रियलमी 5 के अंदर आपको माइक्रो USB पोर्ट और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। और वहाँ पर वीवो U10 के बारे में बात किया तो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, उसी के साथ साथ USB Type-C देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में देखा जाए तो वीवो
U10 बाजी मारता है। तो यहाँ पर बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा वीवो U10 के बारे में। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज के बारे में। गाइस यहाँ पर वीवो U10 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक ही वेरियंट स्टोरेज जो आने वाला है 3GB 32GB के साथ, और वहाँ पर रियलमी 5 के अंदर देखा जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा 3 वेरियंट स्टोरेज जो आने वाला है 3GB 32GB के साथ, 4GB 64GB के साथ, 4GB 128GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको आउट ऑफ बॉक्स पाई भी देखने को मिल जाएगा। गाइस ये दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस का सबसे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। गाइस यहाँ पर वीवो U10 के अंदर देखा जाए तो इसका जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 9,000 रुपीज के अंदर, और वहाँ पर रियलमी 5 के अंदर जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 10,000 रुपीज के अंदर। ये दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस का सबसे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। अगर आप रियलमी की ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आपका बजट है 10,000 रुपीज, उसी प्राइस के अंदर रियलमी की एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो जिसके अंदर बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप हो, उसी के साथ साथ 5000mAh का बैटरी हो, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो, फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच हो, जिसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ सजेस्ट करूंगा रियलमी की तरफ से रियलमी 5 बाय करने के लिए। अगर आप वीवो की लवर्स हो, अगर आपका बजट है 9,000 रुपीज, उसी प्राइस के अंदर वीवो की एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो जिसके अंदर 5000mAh के बैटरी हो, जिसके अंदर टाइप सी पोर्ट हो, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो, जिसका बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ सजेस्ट करूंगा वीवो U10 बाय करने के लिए। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। गाइस यहां पर बताया तो बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है वीवो U10, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस आपको 9,000 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और 9,000 रुपीज के अंदर ऑल एवरेज पैकेज है, जैसे कि यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी, उसी के साथ साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, टाइप सी पोर्ट, और फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच, बैक साइड की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो इसका जो कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर बताया जाए तो आपको 9,000 रुपीज के अंदर ऑल एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा वीवो U10 के अंदर। और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा रियलमी 5 के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों यहां पर बताया तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर अंतर जो है वीवो U10 के अंदर जो डिस्प्ले आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहां पर बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर आप ट्रिपल कैमरा सेटअप और छोटा डिस्प्ले के साथ कोऑपरेट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है वीवो U10। अगर आपका बजट कुछ ज्यादा है, क्योंकि 10,000 रुपीज है, तो दोस्तों आप रियलमी 5 बाय करो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। गाइस यहां पर रियलमी 5 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको माइक्रो एसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसी के साथ कोऑपरेट कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी 5। गाइस यहां पर बताया तो इस दोनों स्मार्टफोन से और मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है वीवो U10, क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपीज के अंदर एक स्मार्टफोन के अंदर जो सारे फीचर्स होना चाहिए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहां पर मुझे लगता है इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट होने वाला है वीवो U10। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो, अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।